जिला परिषद की लोक स्वास्थ्य समिति की टीम सदर अस्पताल में जांच करने के लिए पहुंची। इस टीम में स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष दुर्गा देवी, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, जिला परिषद सदस्य चंद्रिका राम, ललन यादव, जयकरम महतो, सुजीत शर्मा उर्फ बुलेट शर्मा, डॉक्टर एके शर्मा, विजय शंकर शाह शामिल थे। इस दौरान जांच करने पहुंची टीम ने महिला वार्ड, पुरुष वार्ड, ओपीडी सहित इमरजेंसी वार्ड की भी जांच की। वहीं इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे चिकित्सक और जांच टीम से नोक झोक हो गई। क्या पाए यहाँ पे? हम लोगों ने जांच में पाए गए हैं कि जो कोई डॉक्टर सीट पर नहीं, अपने कुर्सी पर नहीं थे, और जितना दवाई जो है कागज में केवल है, व्यवहार में दवाई मिल नहीं रहा है, दवाई बाहर से खरीदी जा रही है। और डॉक्टर लोगों का ये सच बात है कि डॉक्टर लोगों का यहाँ गुंडा राज हो चुका है, सीए साहब के भी पाते नहीं हैं। और डॉक्टरों में पेशेंट जो आ रहे हैं, या महिला हो या पुरुष, केवल पर्ची बन जा रही है और दवाई बाहर से लिया जा रहा है। हमारा कहना है, ये सिवान जिला जो सदर अस्पताल है, मुझे लग रहा है कि ये सदर अस्पताल केवल नाम का है, प्राइवेटों में गरीबों का, गरीब दुखिया का इलाज चल रहा है। दूसरी बात, ये यहाँ दवाई के काउंटर के पास ना कोई पंखा है, ना पीने का शुद्ध पानी है। जब सदर अस्पताल में पीने का शुद्ध पानी नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं है, मरीजी का दवाई का व्यवस्था नहीं है, समय से यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, तो सरकार के पैसे का लूट हो रही है और डॉक्टर यहाँ अपने मनमानी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डॉक्टरों का सस्पेंड करके घर भेज दिया जाए। ऐसा डॉक्टरों का हॉस्पिटल में जरूरत नहीं है, जो गरीबों का दवाई न मिले और सुरक्षा से इलाज ना हो। मैं जिला परिषद